हमें तो समझ में नहीं आता कि भाई समर्थन ये सब चीजें, ये तो जीत हार का कोई मतलब ही नहीं बचा दी। चाहे मैं आप लोग मेरे साथ हो कोई बात नहीं, मैं जीत भी जाऊं तो मैं हार गया। क्या हुआ जो बोलते बोलते अचानक बाबा बालकनाथ रोने लगे? क्या हुआ जो अचानक बाबा की आंखों में आंसू आ गए? और आखिर क्यों बाबा बालकनाथ जैसे मजबूत आदमी भी अपने ही लोगों के बीच रोने लगे? दरअसल अलवर के तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ एक पंचायत के दौरान अपने ही समाज का समर्थन नहीं मिलने पर भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, जिसके बाद वो रुमाल से आंखों को पोंछते नजर आए। राजस्थान में हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे बालकनाथ ने कहा कि ऐसी भी क्या लड़ाई है जो आप अपने धर्म और भगवा का समर्थन नहीं कर रहे? आपका समर्थन नहीं मिलने पर अगर मैं जीत भी जाऊं तो वो मेरी हार होगी। बता दें कि बाबा बालकनाथ को तिजारा में अपने विधानसभा में ही उम्मीद जितना समर्थन नहीं मिल रहा है। शायद यही कारण है कि बाबा को हार का डर सताने लगा है और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अगर कोई पहली बात तो मंत्री जी कि क्या दिक्कत क्या है, कौन सा झगड़ा है, भाई किसी समाज ने गलती करी है पिछले चुनाव की कोई बात हो और किसी से आपस में कोई बात हो, क्या इतनी बड़ी गलती हो गई कि हम अपने भगवान अपने धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? मतलब कि गलती इस भगवान ने कर दी कोई या हमारे धर्म ने कर दी कोई? जवाब दो मुझे भाई, युवा साथी खड़े जवाब दो भाई। मेरे में 100 गलती होंगी, किसी में भी हो सकती है। कोई बात का झगड़ा, कोई कब की बात या कोई आगे की रणनीति होगी, जो भी होगा मान लिया। लेकिन जहां धर्म की बात आ जाए, जहां भगवान की बात आ जाए, वहां क्या हमारा गुजर समाज पीछे हटेगा क्या अपने प्राणों को निछावर करने से? बताओ प्रधान जी, ऐसी कौन सी बात है भाई? उधर पूरे देश के भाई उनके जितने भी कबीलेदार हैं सब लोग आके, फार्म भरने वाला नहीं मिला मंत्री जी, एक डम्मी फार्म भरने वाला नहीं, डम्मी फार्म मतलब वैसे फार्म लगाया जाता है ना, और वो आदमी ना उनको जानता ना पहचानता है। ऐसे आदमियों से बात की जिनके दो दो पीढ़ी हो गए, हमारे भाइयों के नौकरी करते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार चलता है, वैसा ये नहीं कर सकते। हमें तो समझ में नहीं आता कि भाई समर्थन ये सब चीजें, ये तो जीत हार का कोई मतलब ही नहीं बचा दी। मैं आप लोग मेरे साथ हो कोई बात नहीं, मैं जीत भी जाऊं तो मैं हार गया।